ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है कन्या राशि वालों के लिए कैसे ग्रहों का योगा योग चल रहा है और कैसे ग्रहों के योगा योग से आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। 2024 शनि जहाँ पर हैं वहीं बैठे रहेंगे और जनवरी 2023 में शनि महाराज आए थे और आपने सब देखा होगा कि शनि महाराज ने किस किस प्रकार से आपके जीवन में छठे भाव में आकर क्या क्या योग बनाए हैं। एक साल निकल चुका है, शनि कहाँ चल रहे हैं एक साल से? कुंभ राशि में चल रहे हैं। जनवरी 2023 में जब से आए रोग वाले भाव में आ गए और विशेष तौर पर यहाँ पर शत्रु वाले भाव, रिपु भाव जो छठे भाव कहा जाता है, वहाँ उनका अपना भाव है और ये अननेसेसरी कई प्रकार की रास्ते में विघ्न देने के योग बना रहे हैं। उनकी दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो भी बड़ी विशेष है। शनि की दृष्टि का और शनि के बैठने का योग विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए, क्या कुछ करने के योग आपके लिए बना रहे हैं। आप कुछ थोड़े से उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप उनका सहारा ले लें तो आप देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से शनि महाराज आपके बहुत सारे कष्टों को दूर कर देगा। शनि वैसे कुछ स्थानों में आपके लिए जो डाल रहे हैं उसके पहले आपको शनि का स्वभाव समझना पड़ेगा कि शनि का स्वभाव है क्या, शनि किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, शनि के संबंध में कई कथाएं शास्त्र में बताई गई हैं। शनि जो है उनको कहा जाए शनो देवी रवि, शनि शनि धीरे धीरे कार्य करने वाले, धीरे धीरे कार्य करने वाले। और शनि के संबंध में कहा जाए तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्। शनि योगरत हैं, शनि के लिए कहा गया नित्यम योगरताय च, जो नित्य प्रति योग में रहते रहते हैं, योगी हैं, उनसे बड़ा कोई योग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। वो कहा था कर्म फल को देने वाले हैं, आपके कर्मानुसार जो कहा आपने जैसा कर्म किया उसके अनुसार शनि कुछ नहीं करते। कहा जाता है कि एक बार शनि बड़े परेशान हो गए जब लोगों ने उनको बहुत कहना शुरू कर दिया कि महाराज अनुष्ठी अशुभ ग्रह मान लिया, जबकि वो न्यायाधीश हैं। आमतौर पर क्या कहा जाता है कि एक दिन बड़े परेशान होकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे तो उन्होंने अपना रुदन वहां उपस्थित किया, बताया, तो भगवान कृष्ण ने कहा चिंता ना करें, आप हमारे ही सानिध्य में रहेंगे। तो उस दिन से कोकिलावन, वृंदावन क्षेत्र के पास जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर एक कोकिलावन क्षेत्र है और वहाँ पर शनि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही विराजमान है। कहा जाता है जो भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं उन पर शनि कभी अनिष्ट प्रभाव नहीं देते हैं। तो आज भी बड़ा सुंदर वहाँ मंदिर विद्यमान है शनिदेव का और उनका पूजन करने का शास्त्र में नियम भी बताया गया है। कोकिलावन क्षेत्र शनि का क्षेत्र माना जाता है। जो आपके राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं वो विशेष तौर पे आपको 2024 में यदि आप उनका पूर्ण लाभ चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए कि शनि कर क्या रहे हैं आपके लिए। जैसा शनि रोग भाव में बैठे हैं, अननेसेसरी के रोग परेशान कर सकते हैं, शत्रु परेशान करने के योग बना सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी साथ साथ शनि का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से बड़ा विचित्र है। संख्या बढ़ती चली जा रही है आपके कॉम्पिटिटर्स की, शत्रुओं की, लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी साथ साथ शनि की कृपा से ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि शनि दृष्टि ऐसी जगह डाल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। आप शनि की दृष्टि का महत्व समझ लीजिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। शनि स्वयं तो दंडाधिकारी हैं लेकिन उनकी दृष्टि बड़ी खतरनाक है। जहां दृष्टि पड़ती है वो समाप्त हो जाती है, वो चीज़ें बचती नहीं है, वो चीज़ें। कहा जाता है कि गणेश जी की और दृष्टि का आशीर्वाद जो श्राप मिला वो धामा से, उनकी पत्नी से मिला है शनि को। कहा जाता है कि शनि महाराज हमेशा अपने ही आनंद में योगरत रहते थे, तो जब धामा जी पर ध्यान नहीं देते थे तो धामा जी को लगा कि शनि महाराज कहीं और तो नहीं चले गए हैं, तो उन्होंने श्राप दिया शनि को कि जिन पर आप हमको हम पे ध्यान नहीं देते हैं तो जहाँ पर आपकी दृष्टि पड़ेगी देखते भी नहीं है, जिस पर आप दृष्टि डलेगी ना उसी को समाप्त, वो ही समाप्त हो जाएगा। तो उस दिन से शनि की दृष्टि में दोष हो गया। तो कहा जाता है कि शनि में जब दृष्टि का दोष हो गया तो ये शनि को पता चला कि दृष्टि में दोष हो गया है। तो जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो समस्त देवता इत्यादि वहाँ उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे, शनि भी गए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया गणेश जी पर। समस्त लोगों ने कहा कि अरे आप यहाँ गणेश जी का दर्शन करने आए हैं, इनको आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। तो कहा जाता है कि उन सबके कहने पर शनि ने जैसे ही उन पर दृष्टि डाली कालांतर में गणेश जी की गर्दन भी वहाँ ना बच पाई। तो ये शनि की दृष्टि का दोष है। तो अब आप समझें कि शनि जहाँ बैठे हैं आपकी राशि के अनुसार से कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कहाँ शनि की तीन दृष्टि बताई गई हैं। तीसरी दृष्टि शनि की विशेष तौर पर, पहली दृष्टि जो तीसरी दृष्टि मानी जाती है, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि मानी जाती है और तीसरी दृष्टि दशम दृष्टि मानी जाती है। छठे भाव में बैठकर पहली जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि वो देख रहे हैं अष्टम भाव को।
अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, बंधन का भाव है, और वहाँ उनके शत्रु की राशि पड़ी हुई है आपकी राशि के अनुसार से। तो ये तो बहुत सुंदर हो गया आपका, आपके कष्टों को बंधन को दूर करने के लिए शनि ने बहुत सुंदर योग बना दिया। इसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि है, वो पड़ रही है बारहवें भाव पे। बारहवां भाव जो है जुर्माने का भाव है, बारहवां भाव नुकसान का भाव है, बारहवां भाव हानि का भाव है, वो भी समाप्त कर दी शनि। जैसे हमने कहा था ना कुछ देर पहले आपको कि शनि लाख दुश्मन यहाँ बैठे हुए हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं छठे भाव में, वो दुश्मन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ आपको अनिष्ट नहीं करेंगी, चिंता मत कीजिए। तो निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब शनि की एक दृष्टि और है, दशम दृष्टि है, वही आपको समस्या उत्पन्न कर रखी है। आप अपने शत्रु स्वयं बने हुए हैं, ये 2023 की गणना के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं। 24 में यदि ऐसे ही करोगे ना तो फिर अपने शत्रु बने रहना कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। समय बहुत बढ़िया है आपके लिए भाई, इससे सुंदर समय नहीं हो सकता है। लेकिन आप स्वयं अब हो क्या रहा है समझ लीजिए। ये जो तीसरी दृष्टि है दशम भाव में पड़ रही है, ये आपके लिए समस्या का कारण बनी हुई है। तो कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए क्या हो क्या रहा है। जो शनि के भाव की दृष्टि, दशम दृष्टि शनि जो डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं, तृतीय भाव पर। तृतीय भाव मित्र का भाव है, तृतीय भाव कर्म, ये भाव है पराक्रम का, साहस का। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं जाग रही है, दुविधा में फंसे हुए हैं, करें ना करें, अरे कर लें करें ना करें, विचार चल रहा है, विचार मंत्रणा चल रही है। क्यों, क्या क्या हो गया, बृहस्पति महाराज जो हैं वो आपके समस्या के कारण बने हुए हैं। बृहस्पति में शनि की दृष्टि है और वहाँ जो दृष्टि डाल रखी है शनि ने, वो हिम्मत नहीं जगाने दे रहा है आपके लिए। वो बुद्धि में वो बल्ब जली नहीं रहा है, पराक्रम कर नहीं पा रहे हैं आप, पुरुषार्थ कर ही नहीं पा रहे हैं। विचार कर लेंगे, टाइमिंग सेट हो रहा है, करते हैं टाइम टेबल बनाया जा रहा है, आज कर लेंगे, ऐसा कम कब कर लेना, इससे काम नहीं होने वाला भाई। जो मित्र हैं वो आपसे भाग जाएंगे, पार्टनर को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ सहयोगियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जो अनुचर हैं वो आपसे परेशान चल रहे हैं और वहाँ वो अनिष्ट होता चला जा रहा है आपके लिए। वो आपको ठीक करना पड़ेगा, अपने जिद्दी और थोड़ा जो दुस्वाभाविकता है आपके स्वभाव में उसको बदलने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके। ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत है, इसको समझने का आप प्रयास कर लीजिए। 24 है, बड़े भाग्य से समय मिला है आपको इन सब चीज़, जिसके जुर्माने नहीं होने हैं, साफ साफ निश्चित तौर पर दिखा रहा है। आप स्वयं जुर्माना करवा रहे हैं अपने ऊपर, स्वयं कार्य में करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो भाई उठो जागो, उत्तिष्ठ जाग प्राप्त वरान निबोधता, शास्त्र कहता है उठो जागो चलो, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामने आपके रास्ते बन रहे हैं। मई 2024 में, मई के बाद तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति वहां शनि के ग्रास से निकलकर भाग्य में आ जाएंगे और पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लाभ के योग बनेंगे। 30 साल बाद ये योग बन रहा है, 1 साल आपने निकाल दिया है, अब मत निकालिएगा। इस शनि का उपाय करने की जरूरत है। उपाय कैसे होंगे, उपाय भी ऐसे होंगे। अब उपाय के नाम पे आता है तो आज की तारीख में बाजार में जो उपाय चल रहे हैं, हर चौक पे शनि का मंदिर है। मैंने एक बार किसी से पूछा, जन्मपत्र दिखाने आया था, मैंने शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करते हैं, बोले जी मंदिर जाता हूँ शनि के मंदिर में। क्या करते हो, बोले तेल चढ़ाता हूँ। कितना तेल चढ़ाते हो, बोले जी पंडित जी ने कहा था कि 1 टीन तेल चढ़ाया करो। मैंने किसके लिए चढ़ा दे, पंडित जी के लिए या शनिदेव के लिए, वो तेल कहाँ उपयोग हो रहा था। ये भ्रांति में जो आप लोग फंसे हुए हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे उपाय देखे लोगों के द्वारा कि 100 टीन शनि पे चढ़ाए जा रहे हैं, अभिषेक किया जा रहा है शनि का, वो शनि का अभिषेक नहीं हो रहा है, पंडित जी का अभिषेक हो रहा है। जो मैं कहूँगा तथाकथित तौर पे जो भी वहाँ पर, पंडित जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी वहाँ पर शनि के मंदिर का अधिष्ठात्र बना हुआ है वो अपने कल्याण के लिए काम कर रहा है। और ये सब उपाय शास्त्र में कहीं इस प्रकार से वर्णित नहीं है, निमित्त मात्र उपयोग के लिए बताए गए हैं, और कथाएं उन्होंने ऐसी बना दी हैं उसके लिए। दान करने की बात की गई, शनि को चढ़ाने की बात नहीं की गई, दान, तेल का दान करना चाहिए। और ये जो स्थिति बना दी गई है, ये बाजारू तौर पे, ये समस्त प्रकार से अनिष्ट करने वाली, कहीं कल्याण करने वाली, भ्रांति उत्पन्न करने वाली, फिर आप करते रहिए जीवन पर्यंत ये सब उपाय। शास्त्र को पढ़ें, शास्त्र का अध्ययन करें, शास्त्र के अनुसार ही जब चीज़ें निकली हैं तब उसके द्वारा कल्याण के योग बनेंगे। जो उपाय महाराज दशरथ ने किया, जो उपाय हनुमान जी ने किया, जो पिप्पलाद के साथ कथा चलती है, हींग लगे ना फिट कर रंग चोखा हो। और ऐसा नहीं है कि अब जो बहुत लंबे समय तक करना है, कोशिश करें श्रद्धा विश्वास के साथ यदि काम करा जाए तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ हो सकता है। तो ये यदि आप चीज समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याण के योग बन सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, ये बड़ी मुश्किल से समय आया है आपके लिए, ये वर्ष 24 जो है और 25 का आधा समय ये शनि महाराज, अब आपने इसको जगाने का प्रयास करना है। पुरुषार्थ से भागना नहीं है, तुरंत कार्य करने का प्रयास करना है, दुस्वाभाविकता त्याग कर और ये जो उपाय हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं शास्त्र की विधि के अनुसार से, इनको करने का प्रयास करें तो कल्याण के योग बनेंगे। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा।
कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा, और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था उनके अंदर, ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे, उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया, जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ, आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोका लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ। तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे, और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्व वध करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा का जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है, कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का, या दशा का, या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम पर लगा समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्त्रोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकाश के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान दीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम सुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधरभयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीयत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तृंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तत्तदा सौरिक ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है, इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है, कर लें या सुन लें,
तो देखिएगा नित्यपति, आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए अभी तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो, और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद।